राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सभी पत्ते खोल दिए हैं। सूबे में विधायकों की संख्या के आधार पर सपा को मिलने वाली तीनों सीटों के लिए अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सपा ने जावेद अली को पार्टी का कैंडिडेट बनाया है तो कपिल सिब्बल को निर्दलीय और आरएलडी के जयंत चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस तरह से अखिलेश ने अपने कोर वोट बैंक का एक तरफ ख्याल रखा तो दूसरी तरफ 2024 के चुनाव को देखते हुए जयंत के साथ दोस्ती को बनाए रखने का सियासी दांव भी चला। 2022 विधानसभा चुनाव सपा आरएलडी ने मिलकर लड़ा था। उस वक्त सीट शेयरिंग के दौरान अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का वादा किया था। ऐसे में सपा ने ट्वीट करके गुरुवार को कहा है, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का कदम उठाकर बड़ा सियासी दांव चला है। इसे एक तरफ जयंत और अखिलेश यादव की दोस्ती को 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती मिलेगी, वहीं जयंत चौधरी 8 साल के बाद संसद पहुंचेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से जयंत चौधरी संसद से बाहर हैं और अब जाकर सपा के समर्थन से राज्यसभा जाएंगे। इसका सियासी संदेश भी पश्चिमी यूपी में जाएगा, जिसका राजनीतिक लाभ 2024 में मिल सकता है। राज्यसभा चुनाव के जरिए अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं। अखिलेश ने जावेद अली को सपा का कैंडिडेट बनाकर मुस्लिम समुदाय को साधने की कवायद की है। 2022 के चुनाव में सपा को मुस्लिमों ने जिस तरीके से एकजुट होकर वोट दिया, जिसके चलते एक मुस्लिम कैंडिडेट देना मजबूरी थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि राज्यसभा में सपा कोटे से फिलहाल कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, जिसे देखते हुए अखिलेश के ऊपर मुस्लिम प्रत्याशी बनाने का दबाव भी था। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो एक दर्जन संसदीय सीटों पर अपना खास असर रखते हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए सपा के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं था। मुस्लिम बाहुल पश्चिमी यूपी के संभल से आने वाले जावेद अली खान को दोबारा से राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया। जावेद अली साफ सुथरी छवि के नेता हैं और मुस्लिम सियासत में फिट भी बैठते हैं। वहीं सपा ने अपने कोटे से जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजकर जाट समुदाय को संदेश दिया, इसे आरएलडी और सपा की दोस्ती 2024 के चुनाव में मजबूत होगी। 2022 के चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन ने मिलकर पश्चिमी यूपी के जिलों में बीजेपी को कड़ी चुनौती ही नहीं दी, बल्कि जीतने में भी सफल रही। अखिलेश यादव ने एक राज्यसभा सीट पर पूर्व कांग्रेसी कपिल सिब्बल को समर्थन देने का ऐलान किया। सपा के सिब्बल को समर्थन देने के कदम को पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिलाने में मदद करने के लिए एक बदले के रूप में देखा जा रहा है। आजम खान ने खुद भी कहा था कि अगर सपा सिब्बल को राज्यसभा भेजेगी तो उन्हें खुशी होगी। इस तरह से साफ है कि अखिलेश यादव अब 2024 के समीकरण सेट करने में जुटे हैं, जिसमें आजम खान को खुद से अलग नहीं करना चाहते। आजम खान भी मुस्लिम सियासत के जरिए फिर से खुद को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में अखिलेश उन्हें किसी तरह से अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं, जिसके चलते तमाम जतन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव की ये सियासी कवायद कितनी रंग लाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।